हेलो, माय सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य, और आज हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में हमसे पूछ रखा है कि इसमें से ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला हमसे पूछा रखा है कि गौचे कन्फर्मेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ज़रा से इसको हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर गौचे कन्फर्मेशन आप इसकी कैसे ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगी हमारी। अब देखो क्या इसमें दोनों ब्रोमीन अपोजिट एंटी डायरेक्शन में प्रेजेंट है क्या नहीं। इसका यहाँ पे इस बॉन्ड के अगर डाइपोल आप शो करना चाहोगे तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी और इधर वाले की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो नेट रिजल्टेंट आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ इसका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट ये जो फर्स्ट वाला है इसका म्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं हमें क्या बोल रखा है इन्होंने, एंटी वाले पे सोचो। तो देखो एंटी वाले पे अगर आप सोचते हो तो ये ब्रोमीन एच एच, फिर यहाँ पे ब्रोमीन एच और एच। अब देखो ये जो ऊपर वाला ब्रोमीन है इसकी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये और नीचे वाले ब्रोमीन की डायरेक्शन ये, तो ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका मतलब है कि इसका म्यू तो जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमसे क्या बोला है कि थर्ड में ट्रांस 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब जैसे मान लो आपने साइक्लोहेक्सेन बनाया इस तरह से, ठीक है, तो आपको इन दोनों ब्रोमीन को ट्रांस डायरेक्शन में रखना है। तो आप देखो यहाँ पे एक ब्रोमीन के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, दूसरे ब्रोमीन के डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो ओवरऑल ये दोनों क्या कर देंगे दूसरे को कैंसिल, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा जीरो, तो यानी इसका क्या हो जाएगा म्यू जीरो। और देखो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या बोला है, सिस। सिस को एक बार ड्रॉ करके सोचो, ये ब्रोमीन इस तरह से, ये वाला ब्रोमीन इस तरह से, इधर भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इधर भी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो इसका म्यू नेट तो जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका भी म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट कंपाउंड बोलता है टेट्राब्रोमोमीथेन। तो अगर आप ब्रोमीन को आप किसी टेट्राहेड्रल कार्बन पे सभी के सभी ग्रुप अगर आप सेम लगा दोगे तो इसका म्यू नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। ये आपका इस तरह से अगर एक ही कार्बन पे अगर चारों के चारों ग्रुप आप सेम लगा दोगे तो उसका म्यू नेट क्या आ जाना है, जीरो आ जाना है, ठीक है, क्योंकि आप इस सबका अगर एक बार ओवरऑल नेट डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट मिलाओगे तो सबके सब क्या कर देंगे दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा म्यू नेट भी इसका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है सिक्स वाले में 1,1 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। इसको यहीं पे समझ लेते हैं इस तरह से, जैसे आपने ये कंपाउंड बनाया यहीं पे ब्रोमीन और यहीं पे ब्रोमीन इस तरह से लगा रखा है आपने, तो आप देखो एक बार इस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, एक बार डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो अब ये दोनों तो एक दूसरे के एकदम एंटी है नहीं, तो आप देखो कि कुछ ना कुछ तो म्यू नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आ ही जाएगी यहाँ पे, ओवरऑल तो कैंसिल कर नहीं रहा है। आपको बोला है जीरो होना चाहिए, जीरो कब होगा जब एक दूसरे के एकदम एंटी हो, लेकिन यहाँ पे एंटी तो हो नहीं रहे एक दूसरे के, यानी कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आ ही जाएगी, तो इसका भी यानी जो होगा म्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब कितने ऑप्शन हो गए इसका जीरो नहीं आ रहा है, फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स, 1,4,6 जैसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ऑप्शन डी प्रेजेंट है 1,4,6 वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इस कंपाउंड के टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल भी सोचने हैं और ऑप्टिकल भी सोचने हैं। बोल क्या रखा है क्वेश्चन में, स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है ना, स्टीरियो आइसोमर्स बोल रखा है, यानी आपको ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड के क्रॉस और ऑप्टिकल भी सोचना है आपको। चलो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो क्या ये वाला कार्बन आपका काइरल कार्बन है, ये कार्बन आपका काइरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ये कार्बन काइरल है, ये भी कार्बन काइरल, ये वाले भी कार्बन काइरल एंड ये वाले कार्बन भी काइरल। यहाँ पे कोई भी इस पे सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं, इस पूरे कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री की आपकी सिमेट्री जैसे वो ना हो पाए, तो कार्बन अगर काइरल है तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाएगा। चलो यहाँ पे बताओ क्या ये कार्बन काइरल है, नहीं ये वाला, हाँ ये कार्बन काइरल हो जाएगा। फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला कार्बन, हाँ ये वाला कार्बन भी काइरल हो जाएगा। ये कार्बन, ये भी काइरल, ये कार्बन काइरल। क्या इस डबल बॉन्ड के जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, हाँ इस पे जो चारों लगे हुए ग्रुप हैं ये अलग अलग ही हैं, यानी ये डबल बॉन्ड भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। फिर ये कार्बन काइरल नहीं होगा, क्या ये कार्बन काइरल होगा यहाँ पे, हाँ ये कार्बन भी काइरल, ये कार्बन भी काइरल, ये कार्बन भी काइरल, ये वाला भी काइरल हो जाएगा। इस कार्बन के बारे में, हाँ यहाँ पे भी जो चारों ग्रुप लगे हैं डिफरेंट है, तो ये कार्बन भी काइरल हो जाएगा। क्या इस डबल बॉन्ड के जैसे जीआई हो सकता है यहाँ पे, हाँ इस डबल बॉन्ड के जैसे जीआई तो होगा, ठीक है। क्या इस वाला डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा, नहीं इसके वजह से नहीं जीआई हो सकता, क्योंकि इस पे दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं सेम लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कितने आपके ऑप्टिकल और सब कुछ हो गए, कितने स्टार हो गए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आपको 15 मिल रहा है, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसका आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 15। तो आप देख सकते हो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 की पावर 15 हो जाएगा।
तो यही क्वेश्चन था, इसमें पूछ के रखा था कितने स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स का मतलब ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए हमने क्या देख लिया, यहाँ पे काइरल कार्बन देख लिया, ठीक है। ऑप्टिकल के लिए हमने यहाँ पे काइरल कार्बन देख लिया और ज्योमेट्रिकल के लिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस देख लिया, तो उस हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एम एस चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो आप उसे कमेंट में मेंशन करें, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।